शो में बढ़ते हैं आगे और स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज के सिद्धार्थ राय मंगला है हमारे साथ। सिद्धार्थ जी नमस्कार, पूरे एक हफ्ते के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और इस एक हफ्ते के दौरान देखें तो निफ्टी में काफी बड़ा मूव देखने को मिला, इनफैक्ट लगातार तेजी के ट्रेंड में आज भी 67 अंकों की तेजी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो 50 अंक ऊपर है, 55 अंकों की तेजी है, 44,720 का स्तर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स जिसकी आज वीकली एक्सपायरी भी है यहाँ पर भी आप देखें ठीक ठाक 210 अंकों का मूव देखने को मिल रहा है। ओवरऑल संकेत अच्छे थे और पूरा हफ्ता अगर आप देखें तो बाजार के लिए काफी बढ़िया रहा था। अब एक हफ्ते बाद क्या आपके व्यू में कोई परिवर्तन है या अभी भी यहाँ से खरीदारी करेंगे? सिद्धार्थ जी बताइए। जी नमस्कार अशीष जी, गुड आफ्टरनून। देखिए अशीष जी, अगर हम निफ्टी की बात करें तो लास्ट एक वीक से निफ्टी अशीष जी एक काफी रेंज बाउंड ट्रेड करते हुए हमें दिख रहा था, बट इसमें एक चीज अच्छी आशीष जी कि निफ्टी अभी भी इतने ऊपर के लेवल्स पर बड़े आराम से सस्टेन कर पा रहा है। एंड अब फाइनली आशीष जी, क्योंकि आईटी स्पेस जैसे एक हैवी वेट सेक्टर की तरफ से निफ्टी को सपोर्ट भी मिलना शुरू हो चुका है, तो मुझे लगता है ऐसे में निफ्टी में हमें मोमेंटम के बिल्कुल साथ बने रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी निफ्टी में ओवरऑल ट्रेंड बिल्कुल बुलिश है। एंड जैसे ही 19,500 से ऊपर निकलकर कुछ देर निफ्टी स्पॉट में सस्टेन करेगा आशीष जी, हमें बड़े आराम से निफ्टी में 19,600-19,650 तक के लेवल्स जरूर दिखाई दे सकते हैं। तो हम निफ्टी में यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करके चल सकते हैं आशीष जी। 20 जुलाई की जो वीकली एक्सपायरी है इसमें हमें 19,500 के कॉल ऑप्शन को बाय करना है। इसका प्रीमियम करीब 85-86 रुपीज के आसपास में चल रहा है आशीष जी। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 49 रुपीज पर एंड हमारे टारगेट्स होंगे 140-160 तक के। 84-85 के करीब मिल रहा है एसर, यहाँ पर कितने का लगाना है हमें? 49 का। और टारगेट कितना है? 140-160। अच्छे टारगेट्स है, 140-160 नोट डाउन कर लेता हूँ मैं भी, यहाँ पर आपको फोकस करके चलना है। 85-84 रुपये आसपास मिल रहा है, डबल की क्षमता 160 की, स्टॉप लॉस 49 रुपये का, 49 का। निफ्टी बैंक यहाँ पर क्या रणनीति है? जी बिल्कुल आशीष जी, देखिए आशीष जी, बैंक निफ्टी ने पिछले 2-3 सेशन में थोड़ा डल व्यापार हमें जरूर बनते हुए दिखाया है। जहां भी बैंक निफ्टी ओपन हुआ किसी भी ओपनिंग को बैंक निफ्टी अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाया, बट अब फाइनली आशीष जी क्योंकि नीचे में बैंक निफ्टी को 44,600-44,500 की रेंज में बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, इसलिए मुझे लगता है आशीष जी कि यहां से बैंक निफ्टी में एक फ्रेश बुलिश पोजीशन बनाने के लिए रिस्क रिवॉर्ड्स बहुत ही बेहतरीन है। इसलिए बैंक निफ्टी में मैं एक स्प्रेड के थ्रू, एक स्ट्रैटेजी के थ्रू बुलिश पोजीशन बनाना चाहता हूं आशीष जी। इस स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं बुल कॉल स्प्रेड और इसे हमें बनाना है 20 जुलाई की जो वीकली एक्सपायरी है उसके अंदर। यहाँ पर देखिए आशीष जी, स्ट्रैटेजी में हमें 44,800 के कॉल ऑप्शन को बाय करना है, 235-236 रुपीज के आसपास में इसका अभी प्रीमियम चल रहा है, और इसके सामने से 45,100 वाले कॉल ऑप्शन को हमें सेल करना है। इसका प्रीमियम करीब 115-120 रुपीज के बीच में हमें मिल जाएगा, यानी कि स्ट्रैटेजी की हमारी नेट कॉस्ट करीब 120 रुपीज के आसपास में हो जाएगी आशीष जी, और इसके हमें टारगेट्स रखने हैं 200-250 तक के। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं आशीष जी, तो यहां पर मुझे लगता है आशीष जी कि 20 जुलाई की जो वीकली एक्सपायरी है हम उस एक्सपायरी तक भी स्प्रेड को होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि हमने कॉस्ट तो ऑलरेडी स्ट्रेटेजी स्प्रेड के थ्रू कम कर ही ली है, बट फिर भी अगर कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो वो 75 रुपीज पर इस पूरे स्प्रेड का स्टॉप लॉस रखकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 75 रुपीज का, जो कॉस्ट निकल कर आ रही है वो 120 रुपए के करीब की है। टारगेट है बुल कॉल स्प्रेड के, जहां पर 44,800 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे और 45,100 की कॉल ऑप्शन आप बेचेंगे, कंबाइंड लागत 120 रुपए के अराउंड है, 75 रुपए का आपका स्टॉप लॉस, 200-225 तक के टारगेट्स यहां पर आपको देखने, 225 है 250 है? 250 तक के बड़े टारगेट्स यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। बढ़िया रणनीति है निफ्टी और बैंक निफ्टी, लेकिन खास बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि 20 जुलाई की जो एक्सपायरी है इसके हिसाब से आपको यहाँ पर फोकस करके चलना चाहिए, बढ़िया रणनीति है। अब स्टॉक्स की बात करते हैं, स्टॉक्स पर क्या नजर है आपकी? बिल्कुल आशीष जी, दो स्टॉक्स हैं और दोनों में ही बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है आशीष जी। पहला स्टॉक है देखिए पिरामल एंटरप्राइजेस PEL। यहाँ पर आशीष जी कुछ दिन पहले हमने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट बनते हुए देखा था एंड आज एक फॉलो अप मूव हम पिरामल एंटरप्राइजेस के अंदर बनते हुए जरूर देख रहे हैं। एंड अब जिस तरह से ये बार बार 1000 के लेवल से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है आशीष जी, मुझे लगता है कि 1000 से ऊपर कुछ देर सस्टेन करते ही इस स्टॉक का मोमेंटम और ज्यादा मजबूत हमें होता हुआ जरूर दिख जाएगा। तो पिरामल एंटरप्राइजेस को हम बाय करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस हमें रखना है 980 पर, 980 एंड हमारे टारगेट होंगे 1040-1060 तक के। सेकेंड स्टॉक है आशीष जी नेशनल एल्यूमिनियम। यहाँ पर देखिए आशीष जी,
इस स्टॉक ने आज अपने करीब करीब 7 महीने पुराने लेवल से ऊपर एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट हमें दिखाया है, एंड इस वजह से एक अच्छी खासी चाल भी हम नेशनल एल्यूमिनियम में बनते हुए जरूर देख रहे हैं। बट मुझे लगता है कि ये मोमेंटम जरूर आगे भी कंटिन्यू रहना चाहिए, तो नेशनल एल्यूमिनियम को भी हम बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें रखना होगा 84.9 पर, एंड हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 98 का एंड सेकेंड टारगेट 105 तक का। बढ़िया टारगेट्स हैं नालको में, अगर आप देख रहे हो चार्ट पर भी ब्रेकआउट दूर से विजिबल हो रहा है, यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। 3% की तेजी है लेकिन अपसाइड है, 98-105 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, 84.90 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और साथ में अगर आप देखें तो 1000 रुपए के क्रूशियल लेवल पर चल रहा है पिरामल एंटरप्राइज, खरीदारी करेंगे 980 के स्टॉप लॉस के साथ, और 1040 और 1060 तक के स्तर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।